खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। कानपुर के कल्याणपुर में रेप के बाद 10वीं मंजिल से युवती को फेंक कर की गई हत्या मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा कानपुर पहुंची। क्राइम सीन पर पहुंची एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा ने क्राइम सीन के पैर छुए और काफी भावुक भी दिखी। आपको बता दें कि एडवोकेट सीमा कुशवाहा निर्भया कांड के दोषियों को सजा दिला चुकी हैं। उन्होंने घटना के संबंध में कानपुर पुलिस को फेलियर बताया। वहीं SIT या CBI से जांच कराने की मांग की है। ये जो ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ब्लड ना हमारे देश पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये रेड ब्लड जो है ना, हमारी 3 साल की बच्चियाँ, 8 महीने की बच्चियाँ, ये हमारी 18 साल की बच्ची थी, धब्बा लगता जा रहा है। निर्भया कांड दिल्ली में, तो मेरा तो यही अनुरोध है पूरे सिस्टम से, हमारी पूरी जुडिशरी से, पुलिस व्यवस्था से, पॉलिटिकल पर्सन से, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, बेटियों का खून कब तक ऐसे हम लोग देखते रहेंगे और कब तक हमारी बेटियां इसी तरीके से ऐसे दरिंदों का, प्रतीक वैश्य जैसे दरिंदों का शिकार होती रहेंगी। ये बिल्डिंग है, 10वीं मंजिल से उस बेटी को फेंका उसने बिना किसी डर के, क्योंकि उसके अंदर इसलिए डर नहीं है कि जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई ऐसे अपराध करता है, 10 या 15 साल मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद भी कन्विक्शन नहीं हो रहा है, बेल पर छूट करके लोग आते हैं और वो व्यक्ति ये कह रहा है हाँ मैंने रेप किया, हाँ मैंने मर्डर किया। ये सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा मार रहा है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मेरी यही उम्मीद है कि इस केस में जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और उसके बाद जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक की एक कोर्ट केस चले और इसमें कन्विक्शन हो इस अपराधी का। ये मेरी मांग है और इतना मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है अपनी देश की 49% जो आबादी है महिलाओं की, उनके लिए काम करने की। अगर ये कन्विक्शन नहीं हो रहे हैं तो एक बार सबको विचार करने की आवश्यकता है। हम सभी लोग बात करते कहते हैं हाँ क्राइम नहीं रुक रहा बेटियों के साथ, ये कहना बहुत आसान है। क्या हमने उतना एफर्ट लगाया है क्राइम रोकने के लिए? क्या कोई कह सकता है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, हमारा पुलिस सिस्टम हो, हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम हो, या जिस प्रोफेशन से मैं आती हूँ वकालत, क्या कोई भी व्यक्ति, आप मीडिया में काम करते हैं भाई, क्या कह सकते हैं कि हम लोगों ने उतना पूरा कम्प्लीटली तरीके से वर्क कर लिया है कि अब ये क्राइम उसके बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं? हम लोग हर जगह फेलियर हैं, ऐसे सोसाइटी में हम लोग फेल हैं, एज ए सिस्टम में हम लोग फेल हैं अपनी बेटियों को बचाने के लिए। फतेहाबाद की 3 साल की बच्ची है, उसके साथ उसका पड़ोसी रेप कर देता है, वो बच्ची अभी हॉस्पिटल में एडमिट है जिला अस्पताल में, उसको ठीक ट्रीटमेंट भी मिले, आगे उसकी लाइफ नॉर्मल हो, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? और ऐसे लोगों की जब ये कहा जाता है कि मानसिकता नहीं बदल रही है, तो क्या हम लोगों ने लोगों सब्सक्राइब करें AB News India के YouTube चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।